नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज और मैं हूं रतांभरा आपके साथ। बिहार की राजधानी पटना में कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना से मचे हाहाकार के बीच पटना प्रशासन ने 14 नए कंटेनमेंट जोन सील किए हैं। वहीं 7 कंटेनमेंट जोन पटना प्रमंडल के हैं, 5 पटना सिटी और 3 कंकड़बाग में सील किए गए। शुक्रवार को इलाज के दौरान 5 मरीजों की मृत्यु हो गई। आपको बता दें, छठ पूजा के बाद शहर में कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही दिख रहा है। यहाँ पे अलग अलग कैंप लगाए जा रहे हैं जहाँ पे लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि की जा रही है। दरअसल सरकार की तरफ से इन जगहों पर विशेष नजर रखने को कहा है। प्रशासन इन इलाकों पर विशेष नजर रखने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिसके तहत समय समय पर विशेष जाँच अभियान चलता रहेगा। जिन मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों की जाँच कराई जाएगी। बताया जा रहा है कि छठ पूजा के बाद उन इलाकों में सबसे ज्यादा संक्रमित मिले हैं जो नदी के किनारे बसे हैं, इसलिए इन इलाकों में विशेष जांच अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया है। जल्द ही इन इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच के लिए कैंप लगाएगी। इसको लेकर पटना डीएम ने भी अपनी कमर कस ली है और यह संभव उपाय करने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि बिहार में 698 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान शुक्रवार को हुई और 5 संक्रमित मरीजों के इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,33,840 और मृतकों की संख्या 1,248 हो गई। राज्य में अभी कोरोना के 5,545 एक्टिव मरीज हैं जिनका इलाज किया जा रहा है।